हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेसिकली किसके बारे में पढ़ा था, लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको मोनोडेंटेट, डाई, आपका बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और आपका हेक्साडेंटेट, ठीक है, इन सब लिगेंड्स के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा हमने एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में भी बात की थी। ठीक है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी आपके किलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, किलेटिंग रिंग्स क्या होती है, आपके जो आपके किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो आपके मेटल एटम के साथ एक रिंग फॉर्म करते हैं, क्लोज रिंग, जिन्हें हम बोलते हैं आपका किलेटिंग रिंग्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किलेशन। ठीक है, इससे आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, और इसमें यदि आपका कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो, तो आपकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अभी आपके लिगेंड्स के टाइप कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है ना, अभी और भी कुछ टाइप्स हैं वो भी हम देखते हैं। आज का जो अपना टाइप रहेगा दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो नाम से ही पता पड़ रहा है इनकी डेंटिसिटी क्या होगी, फ्लेक्सीबल होगी, मतलब ये अपनी मर्जी के मालिक होंगे। ठीक है, ये आपकी 1-2 मतलब इनकी फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज आर द कंपाउंड्स और दीज आर द लिगेंड्स, दीज लिगेंड्स हैव वेरिएबल डेंटिसिटी, दैट्स वाई दे आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। दीज लिगेंड्स हैव वेरिएबल डेंटिसिटी, दैट्स वाई दीज आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ये क्या हैं, आपके फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो अब देखिए कौन से लिगेंड्स होते हैं जो आपके फ्लेक्सीडेंटेड्स हो गए। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपका एसीटेट का, अगर हम एग्जांपल लें, ये आपका है सी, अगर हम बात कर रहे हैं C2O4 2-, ठीक है, ऑक्सीलेट का लेते हैं तो C डबल बॉन्ड O O-, ठीक है, C डबल बॉन्ड O O-। ठीक है, ये जब आपका मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से होगा, यहाँ पे एक क्लोज रिंग बनती है फाइव मेंबर की क्लोज रिंग बन रही है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये एज ए बाइडेंटेट की तरह वर्क करेगा। क्यों, ये आपका मोनोडेंटेट की तरह वर्क करेगा। ज़रूरी नहीं कि सभी आपके जो इतने भी लिगेंड्स हैं वो आपके फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स हो, हम बात कर रहे हैं कि उनमें क्या खासियत होनी चाहिए उन लिगेंड्स में कि वो आपके फ्लेक्सीडेंटेड की तरह वर्क करें, ज़रूरी नहीं कि सभी वर्क करें। ठीक है, जैसे ये है आपका ऑक्सीलेट, ये जब फाइव मेंबर रिंग बना के स्टेबल हो रहा है तो क्यों ये एक ही आपका बॉन्ड बनाएगा, अगर मान लो ये एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और फ्लेक्सीडेंटेड की तरह वर्क करता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, तो क्यों ये ऐसा करेगा। तो सभी आपके लिगेंड्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना, इनकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके मेनली जो फोर मेंबर रिंग, जैसे फाइव और सिक्स तो क्या है, आपकी स्टेबल रिंग है। ठीक है, तो आपके वो लिगेंड्स जो आपके फाइव मेंबर या सिक्स मेंबर रिंग बनाएंगे वो तो आपका फ्लेक्सीडेंटेड की तरह वर्क करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो पहले ही आपका स्टेबल रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो बात आती है कौन से लिगेंड्स हैं जो फ्लेक्सीडेंटेड की तरह वर्क करेंगे। तो आपके जो फोर मेंबर रिंग वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो वर्क करते हैं आपके एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स की। ठीक है, क्योंकि फोर मेंबर जो रिंग होती है आपके लेस स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर लेस स्टेबल होने से उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है ना, तो जनरली आपके जो फोर मेंबर्स रिंग्स के जो लिगेंड्स होते हैं वो मेंबर्स जो आप जो वो लिगेंड्स जो फोर मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं वो वर्क करते हैं एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको हम पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं, जनरली
जनरली फोर मेंबर रिंग्स जनरली आप लिखिए जनरली लिगेंड्स विच फॉर्म जनरली लिगेंड्स विच फॉर्म फोर मेंबर रिंग आर वर्क एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड ठीक है। फाइव वाले और सिक्स वाले तो पहले ही स्टेबल हैं, ठीक है, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहेंगे। जो फोर वाले हैं वो आपके क्या कर सकते हैं, एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की जरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप ले लीजिए CO3 2-, ठीक है, यहाँ अगर ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन आपके लिगेंड की तरह, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह, मतलब दोनों अपना बॉन्ड बनाए आपका मेटल के साथ, ठीक है, तो ये एक आपकी फोर मेंबर रिंग होती है, ठीक है ना, क्लियर है। कम स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है, ठीक है, बट ये आपके बाइडेंटेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर सकती है, ठीक है। अगर सिंगल डेंटेंट की तरह भी वर्क करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये एज ए सिंगल डेंटेंट की तरह भी वर्क कर सकती है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, ठीक है ना, ये भी आपका लेस स्टेबल ही है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या है, लगभग सेम रहती है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब आपके सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी या उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करना रहता है, तब ये एज ए सिंगल आपका मोनोडेंटेंट, या फिर मोनोडेंटेंट को आप यूनिडेंटेंट भी बोलते हो, ठीक है ना, तो यूनिडेंटेंट की तरह वर्क कर सकती है, या फिर आपके डाई, या इसे हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेंट की तरह भी वर्क कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, दैट इज CO NH3 whole 5 CO3, ठीक है, ये आपका Cl, ठीक है, और एक था आपका CO NH3 whole 4 CO3, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए, ठीक है, प्लस 3 इसकी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, 5 तो आपका इससे हो गया NH3 से, आपका यूनिडेंटेंट। यहाँ पे CO3 जो वर्क करेगा, किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए यूनिडेंटेंट या एज ए मोनोडेंटेंट, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर 4 तो इससे हो गया, अब CO का कोबाल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए यहाँ पे जो CO3 है उसे किसकी तरह वर्क करना पड़ेगा, एज ए बाइडेंटेंट लिगेंड की तरह वर्क करना पड़ेगा, बाइडेंटेंट लिगेंड, ठीक है, वो आपका यूनिडेंटेंट लिगेंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये आपके जो फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स होते हैं ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 शो करेगा और यहाँ पे 1 डेंटिसिटी को शो करेगा, ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो फोर मेंबर वाले रिंग मेंबर्स हैं, जो फोर मेंबर रिंग को फॉर्म करते हैं, वही लिगेंड्स आपके फ्लेक्सी डेंटेड की तरह वर्क करेंगे। एक एक्सेप्शन भी है आपका, वो है आपका EDTA, दैट इज जो आपका 6 डेंटिसिटी वाला मेंबर होता है, लिगेंड होता है, ठीक है ना, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, वो भी आपका किसकी तरह वर्क करता है, एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह, बट वो डिपेंड करता है आपके मीडियम के ऊपर, ठीक है ना, pH के ऊपर, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम EDTA का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, अगर हम बात करें EDTA की, एथिलीन एथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA, ठीक है ना, EDTA की अगर हम बात करें, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होगा, इथाइलीन ये CH2, ठीक है, डायमीन
NH2 ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, किससे, आपके एसीटेट से, एसीटेट टेट्रा एसीटेट CH2-C OO-, CH2-C OO-, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, CH2-C OO-, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, CH2-C OO-, ठीक है, यहाँ पे आपके एज ए हेक्साडेंटेट की तरह ये वर्क करता है, ठीक है, बट डिपेंड करता है आपके मीडियम पे, पीएच की मीडियम पे, ठीक है ना। इसका आप स्ट्रक्चर नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम इसकी डेंटिसिटी देखें तो वो कितनी आपकी 6 है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, डेंटिसिटी क्या आपकी 6 है, ठीक है, और चार्ज कितना है 4-, इसे हम लिख सकते हैं आपका EDTA 4-, ठीक है, क्लियर। अब मान लो जिस मीडियम में ये है उसकी पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसमें एच प्लस आयन ज़्यादा है, तो एक एच प्लस मान लो इस ओ माइनस के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, HEDTA 3-, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम है, एच प्लस रहेगा, एच प्लस ने एक इसके साथ ओ माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया, अब ये एज ए डेंट अपना लीगेंड की तरह वर्क नहीं करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मान लो ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, जैसे ही इसने लोन पेयर को डोनेट किया इसके ऊपर चार्ज आएगा आपका प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि मोर नेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर प्लस चार्ज वो आपका अनस्टेबल रहता है, ठीक है, इसलिए वो अपना प्लस चार्ज उसके ऊपर नहीं रखेगा, ठीक है, इसलिए वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, और लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो आपका सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एसिडिक नेचर और बढ़ गया, पीएच और बढ़ गई, तो एक एच प्लस इससे भी कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, H2EDTA 2-, यहाँ पे आपकी डेंटिसिटी हो जाएगी 4, अगर एक H प्लस और ऐड हो जाए तो H3EDTA-, यहाँ पे आपकी डेंटिसिटी हो गई 3, एक और H ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा H4EDTA, ठीक है, यहाँ पर डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में केवल और केवल आपके दो नाइट्रोजन ही हैं जो क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब डिपेंड करता है मीडियम की पीएच के ऊपर, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन दी पीएच ऑफ मीडियम, ठीक है ना, ईडीटीए कैन आल्सो वर्क एज ए फ्लेक्सीडेंटेट, किसकी तरह आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लिगेंड का और क्लासिफिकेशन जो बाकी है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका लिगेंड का फर्दर क्लासिफिकेशन, इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे आपका क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का, कि लिगेंड्स पे चार्ज क्या है, ठीक है, उस पे नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, इनके सब के बेसिस पे, ठीक है ना, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वो हम पढ़ेंगे आपका कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा है, ठीक है ना, उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड
लिगेंड, ठीक है, उनके बीच में इंट्रेक्शन कैसा है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसे हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्लासिकल या फिर सिंपल जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका क्लासिकल या सिंपल डोनर लिगेंड्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम पढ़ते हैं आपका क्लासिकल, क्लासिकल और सिंपल डोनर लिगेंड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। ठीक है ना, बदले में उससे कुछ लेते नहीं है। ठीक है, बाद में जो हम सेकंड पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल, वो क्या है, आपके लोन पेयर देते भी हैं और फिर सेंट्रल मेटल एटम से आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये केवल और केवल डोनेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका लिगेंड होगा। ठीक है, ये आपके सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, केवल और केवल अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में डोनेट करता है। किस फॉर्म में, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में डोनेट करता है। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये केवल आपके सिग्मा डोनर्स होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरा केवल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उससे कुछ लेंगे नहीं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्योंकि ये आपका केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है, आपका एक ही होता है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, दीज लिगेंड्स ओनली डोनेट नॉट एक्सेप्ट, ओनली डोनेट नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, पहली बात, इसलिए इसे हम क्या, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, दीज लिगेंड्स आर सिग्मा डोनर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, आपके सिग्मा डोनर इलेक्ट्रॉन, आपके सिग्मा डोनर लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है, वो भी देखिए आप, कि इनका रीज़न क्या है कि ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीज़न ये होता है कि ये जो लिगेंड्स होते हैं आपके, ये फर्स्ट और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं आपके लिगेंड्स, वो इसकी तरह वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। डी ऑर्बिटल कब से स्टार्ट होता है, आपका थर्ड पीरियड से। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड के जो आपके एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, फ्लोरीन, वो किसकी तरह वर्क करेंगे, आपके एज ए क्लासिकल लिगेंड्स की तरह वर्क करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास क्या है, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो वो आपका जो एक लोन पेयर आएगा या सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी आप लिख लीजिए, दीज लिगेंड्स डू नॉट हैव, दीज लिगेंड्स डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। यही रीजन है आपका कि ये आपके एक्सेप्टर नहीं होते हैं। ठीक है ना, केवल और केवल डोनर होते हैं। दीज लिगेंड्स डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये आपके जनरली क्यों होते हैं, दैट इज फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, इसीलिए ये आपके केवल डोनर्स होते हैं, एक्सेप्टर नहीं होते हैं। आप एग्जांपल लिख लीजिए, आपका NH3 ले लीजिए,
एच टू ओ ले लीजिए, ओ एच माइनस ले लीजिए आप, ठीक है, ओ टू माइनस ले लीजिए, एन थ्री माइनस ले लीजिए, ये सब क्या है आपके, जो भी आपके फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एफ माइनस ले लीजिए, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आएंगे आपके क्लासिकल लिगेंड्स की कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर में हम पढ़ते हैं आपके सेकंड टाइप दैट इज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, आपके नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में। सेकंड जो आपका आएगा दैट इज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, ये आपके लोन पेयर को डोनेट तो करेंगे, ठीक है, बट साथ ही साथ सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आपका जो आपका लिगेंड्स होगा ये एक तो आपका लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। अब ये बॉन्ड आपका सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, ठीक है, और आपके मेटल आयन से क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट भी करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ पे, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, यहाँ से मेटल से ये क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। अगर इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये आपके थर्ड पीरियड या उससे हायर पीरियड वाले एलिमेंट्स होंगे, पहली बात तो ये, ठीक है ना, इसलिए इनको पाई एक्सेप्टर भी बोला जाता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, या फिर इसे हम बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड्स, क्यों, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, पाई बॉन्ड के थ्रू, पहली बात तो ये। इस टाइप की जो होती है इसे हम बोलते हैं बैक डोनेशन, मतलब लोन आपके लिगेंड ने लोन पेयर दिया मेटल को, मेटल ने फिर वापस क्या किया, आपके इलेक्ट्रॉन दिए इन द फॉर्म ऑफ पाई आपके लिगेंड को, इस टाइप को जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, जो आपके बैक डोनेशन से आती है उसे हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, ये इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी केवल आप नाम याद रख लीजिए कि इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है बैक डोनेशन वाली उससे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड या फिर पाई एसिड लिगेंड्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है, एक तो ये बात। अगर हम इनका कंपेरिजन करें आपके किससे, क्लासिकल से, ये थे आपके क्लासिकल, ठीक है, जिसमें आपका लिगेंड केवल लोन पेयर डोनेट करता है किसको, मेटल को, तो यहाँ पे आप अगर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो वो कितना होगा आपका, केवल वन होगा, ठीक है, क्लियर। अब या वो सिग्मा हो या पाई हो, आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये तो आपका सिग्मा ही रहेगा तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर वन रहेगा, ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो एक बॉन्ड तो ये फॉर्म होता है, ठीक है, इसके अलावा एक बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है पाई के साथ, ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आपका ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बाद में हमारे कंपेरिजन करने के काम में आएगी, ठीक है, वो हम देखेंगे भी सही, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं कि आपकी इन लिगेंड्स को, दीज लिगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स, ठीक है, ठीक है। इन इन दिस द लिगेंड
not only donate the electron pair, not only donate the electron pair to central metal atom, but also accept the electron from central metal atom. एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है. डोनेशन के अलावा आपका एक्सेप्टर भी है ये, ठीक है. तीसरी चीज, इस टाइप की जो बैक डोनेशन वाली जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग. दिस बैक डोनेशन इज नॉन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है नॉन क्लासिकल के केस में, ठीक है. अब ये जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है. इनको भी फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है. इस एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है. ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका क्लासिफिकेशन. जो आपके नॉन क्लासिकल लिगेंड्स है उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है. वो आपके दो टाइप के होंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड होता है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर देता है, ठीक है. या तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपका जो क्लासिफिकेशन रहेगा, दैट इज अगर वो आपका सिग्मा बॉन्ड हो तो, और ऊपर वाला जो रहता है मेटल वाला वो तो हमेशा पाई बॉन्ड ही रहता है, ठीक है ना. तो फर्स्ट इसका क्या रहेगा क्लासिफिकेशन, दैट इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है. लिगेंड्स, ये वो लिगेंड्स होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर देंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना. सिग्मा डोनर होंगे और एक्सेप्ट क्या करेंगे, पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे. बट इसमें भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं, टाइप के अंदर टाइप आ रहे हैं, ठीक है ना. धीरे धीरे समझते चलो, अपने आप समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है ना. एक होता है आपका टाइप वन, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका टाइप टू. पहले हम देखिए इसमें होता क्या, आपका ये जो आपका लिगेंड रहेगा, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को आपका सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, और मेटल से दोबारा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है. बट ये एक्सेप्ट कहाँ करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा आप इसके पाई स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है. आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना. केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं पाई और पाई स्टार, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और एक होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है. इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना. ये एक्सेप्ट कहाँ करता है आपका, पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना. पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है. दीज लिगेंड्स डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड सेंट्रल मेटल एटम इन सिग्मा डोनर एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स, ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखनी है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो आप CO ले लीजिए, N2 ले लीजिए, NO ले लीजिए, NO+ ले लीजिए, ठीक है ना, O2 ले लीजिए, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें आपके CO की बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, CO मान लो आपका लिगेंड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन आपका लोन पेयर डोनर होगा, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। ये आपके मेटल से आपका पाई बॉन्ड के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा अपने पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब मुझे बताइए, आपको याद होगा आई थिंक कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू Nb-Na। Nb क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये जो माइनस वाली टर्म है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर वो इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा अपने किसमें, पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करते हैं, आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा मतलब पहले मान लो 2 था इसका, ठीक है, सी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तो अभी 2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब अगर इसकी लेंथ कम होगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो इसको भी हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इन सीओ लिगेंड, इन सीओ लिगेंड, इन सीओ लिगेंड द कार्बन एटम, द कार्बन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी सेंट्रल मेटल एटम एंड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एंडी इन इट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज डिक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज इंक्रीजेज। बाद में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर का या फिर बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, तब हमारे ये चीज़ बहुत काम में आएगी कि आपका जो लिगेंड है वो किस टाइप का लिगेंड है, ठीक है, क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, ठीक है। उसके बाद जो डोनर है वो किस टाइप का डोनर है, सिग्मा डोनर है या पाई डोनर है, और वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, पाई स्टार में एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट इसका टाइप 2 आएगा वहाँ ये इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट करता है, कहाँ पे, वेकेंट डी ऑर्बिटल में, ठीक है, क्लियर है। तो अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल में करेगा तो वो आपका जो ये होगा लिगेंड वो आपका थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा पीरियड वाले, मतलब फोर्थ फिफ्थ वाले पीरियड वाले एलिमेंट्स का आपका लिगेंड होगा, ठीक है ना।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसका टाइप टू, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका टाइप टू, ठीक है। टाइप टू में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, वहां पे पाई स्टार की जगह आपका क्या आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या आ जाएगा आपका, वैकेंट ऑर्बिटल। कहां एक्सेप्ट करेंगे वो, आपके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए, क्लियर है। इसका एग्जांपल भी दूसरा रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की, तो वो हो जाएगा आपका पीएच थ्री ले लीजिए आप, पीएच थ्री, ठीक है। फास्फोरस जो है आपका लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, उससे आपका एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पाई की फॉर्म में, ठीक है। और ये है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा वापस, वैकेंट डी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो टाइप टू में हम क्या लिखेंगे, दीज लिगेंड्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड एक्सेप्ट द पाई इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए पी एच थ्री ले लीजिए, पी एफ थ्री ले लीजिए, या पी पी एच थ्री ले लीजिए। ये आपका पी एच क्या है, फिनाइल है, ठीक है ना। कुछ भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन रहेगा, दैट इज पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपका सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, ओके। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं, दैट इज पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। देखिए सेकंड आपका रहेगा, दैट इज पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, मतलब ये डोनेट भी क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, और एक्सेप्ट भी क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम बात करें, ये आपका लिगेंड है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। और ये जो आपका मेटल आयन है, ये दोबारा आपके जो लिगेंड है उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन सी क्या करेगा, आपका डोनेट करेगा। बट ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके लिगेंड के एंटर करते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होता है उसमें, पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखनी है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिस सोल्ट, क्या नाम है इसका, जिस सोल्ट, ठीक है। ये होता है आपका पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल में क्या है, देखिए ये आपका प्लेटिनम है, ठीक है, तीन क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन, ये तीन क्लोरीन हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सी टू एच फोर इथाइल ग्रुप की, आपकी इथाइलिन ग्रुप की, सी डबल बॉन्ड सी वन एच एच, ठीक है, ये इथाइलिन ग्रुप है आपका, ठीक है। इसमें होगा क्या,
ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सी डबल बॉन्ड सी आपका, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है ना। इसको मैं क्लाउड के फॉर्म में बना देता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करता है अपना कार्बन, किसको? प्लेटिनम को, मेटल आयन को, ठीक है। तो ये वर्क करता है आपका पाई इलेक्ट, पाई डोनर, इसे हम क्या बोलेंगे? पाई डोनर, ठीक है ना। ये आपके सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं उनको डोनेट नहीं करेगा, किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको डोनेट करेगा? आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये होता है आपका पाई डोनर, ठीक है। अब प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम के पास उसके वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल होगा प्लेटिनम का, जिसमें उसके पास होंगे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक्सेप्ट करेगा आपका कार्बन अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, ये कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा, ये हुआ पाई एक्सेप्टर। और कहाँ एक्सेप्ट करेगा? अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, मतलब पाई स्टार में। ये कहाँ आपका डोनेट एक्सेप्ट करेगा? पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इससे होगा क्या? कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? जो पहले परफेक्ट डबल बॉन्ड था, ठीक है, अब क्या होगी? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है फ्री स्टेट में, जो आपका C2H4 था उसके कंपैरिजन में क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हम लिख भी सकते हैं इसका जो, अगर थ्योरी हम लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस वाले की थ्योरी यहाँ पे, ठीक है ना। सिंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इन पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, सिंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इन पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इज इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम फ्री स्टेट में कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखें तो वो क्या होगी? कम होगी आपकी, और जो इस कॉम्प्लेक्स की कार्बन कार्बन की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन की लेंथ है आपकी कॉम्प्लेक्स की, ये ग्रेटर देन होगी आपकी कार्बन और कार्बन जब आपका फ्री स्टेट में हो। फ्री स्टेट में मीन्स आपका C2H4 की फॉर्म में हो, ये आपका C2H4 इस फ्री स्टेट में, जब जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है। सिंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इन पाई स्टार, ठीक है, ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसमें और अगर पॉइंट हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका कार्बन है, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डोनेट करता है, किसको? प्लेटिनम को या मेटल एटम्स को, ठीक है। ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, हियर द पाई
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन इज ओवरलैप्ड, ये क्या करेंगे ओवरलैपिंग इसको डोनेट करेगा ये, ठीक है ना, इज या तो इसको डोनेट करेगा या फिर ओवरलैप करेगा इसके डी ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है ना। हियर द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन इज डोनेट टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ऑफ और मेटल, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी में, ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको, बाई नेम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर हम फ्री स्टेट में देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp2, यहाँ पे भी sp2, मतलब ये स्ट्रक्चर हम देखें तो ये प्लेनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लेनर, बट होता क्या है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में हम देखें तो जैसे ही यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो पहले प्लेनर था आपका मॉलिक्यूल, ये अपने आप को रोटेट कर लेगा 90 डिग्री से, जैसे पहले ये से था, ठीक है, अब क्या होगा आपका रोटेट कर लेगा। तो अभी जो PtCl3 का जो प्लेन है और आपके C2H4 का जो प्लेन होगा वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे, एक इस लाइक दिस रहेगा और एक आपका उसके जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना, उस पाई पाई बॉन्ड के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये भी मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में तो आपको प्लेनर है ही सी, ठीक है, हम केवल यहाँ की बात में इसके लिए हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, हियर टू मिनिमाइज, हियर टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है और वो ही आपके हाइड्रोजन वाले, ठीक है ना, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके बीच में होगा रिपल्शन, ठीक है, ये टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स द क्लाउड ऑफ और द जियोमेट्री ऑफ C2H4 is perpendicular to the plane of PtCl3, ठीक है ना, here to minimize the repulsion between pi electrons, ठीक है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके बीच में, ठीक है, दी ज्योमेट्री ऑफ C2H4, दिस ज्योमेट्री ऑफ C2H4 इज वेंट परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा रहेगा तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, टू दी प्लेन ऑफ PtCl3, मतलब अगर हम इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें तो अगर ये आपका प्लेटिनम है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, तो ये जो C2H4 रहेगा एक हाइड्रोजन तो आपका प्लेन के अंदर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका प्लेन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप में हो जाएगा, एक प्लेन के अंदर हो जाएगा और एक प्लेन के बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इनमें ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, कंपाउंड है, एग्जाम्पल है जो आपको बाई नेम याद होना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है ना, कि प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, बट होता क्या आपका रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है,
तो ये होता है अपना सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स की और ऐसे लिगेंड्स की नेमिंग जो होती है ना वो भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसकी मैं नेमिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नेमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब इनकी इस टाइप के जो आपके लिगेंड्स होते हैं ना उनकी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इनकी नेमिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हम नेमिंग की बात करें तो हम लिख सकते हैं व्हाइल नेमिंग ऑफ दीज लिगेंड्स वी यूज ईटा की पावर एक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, वी यूज ईटा टू द पावर एक्स प्रीफिक्स, ठीक है। अब एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स होता है आपका हेप्टिसिटी, ठीक है ना, ऑफ लिगेंड। इसकी हेप्टिसिटी कितनी, हेप्टिसिटी मतलब ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ये कितने नंबर ऑफ एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका एक कार्बन और दो कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी जो हेप्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। हेप्टिसिटी को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पाई डोनेशन, ठीक है। आपके पाई डोनेशन में कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक तो एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है ना। एक तो आपका है C2H4, यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर हम देखें, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये दो आपके कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसलिए इसके नाम के आगे हम क्या लिखेंगे, ईटा टू द पावर 2, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें हम, C6H6, ये होता है आपका बेंजीन, ठीक है। अगर हम बेंजीन के लिए हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस टाइप का, ठीक है, क्लियर है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तीनों में आपका कॉन्जुगेशन है, ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, पाई बॉन्ड होंगे डोनेशन में काम में आएंगे, कितने काम में आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 3 बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उनके 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन में काम में आएंगे, ठीक है। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है कितने कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे नाम के आगे, ईटा टू दी पावर 6, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिए एक बार। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका C5H5-, इसे हम बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे भी एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है आपका C5H5-, ठीक है, ये आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका सिग्मा डोनर, एक होता है आपका पाई डोनर, ठीक है। एक तो होता है आपका सिग्मा डोनर, एक होता है आपका पाई डोनर, ठीक है। जब सिग्मा डोनर रहेगा तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड, ये भी आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका लोन पेयर और इस पे ऊपर माइनस का चार्ज, ठीक है। जब ये सिग्मा डोनर होगा तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ठीक है, इनको डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन,
क्लियर। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, कितने कार्बन है, केवल एक ही कार्बन है, ठीक है। इसे हम लिखेंगे ईटा टू दी पावर वन, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि हम जो आपकी नेमिंग करेंगे वो किसके लिए करते हैं, आपके पाई डोनर्स के लिए, ठीक है ना। तो नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो भी ईटा टू दी पावर वन, ठीक है। लेकिन जब ये पाई डोनर की तरह वर्क करेगा, किसकी तरह, पाई डोनर की वर्क की तरह, तो देखिए ये आपका पाई बोन, ये आपका पाई बोन, ये आपका यहाँ पे पाई बोन, ठीक है। जब पाई बोन की तरह वर्क करेगा, पाई डोनेशन वर्क में लेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन सब आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कितना होगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, कितना होगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। और कितने कार्बन के बीच में, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ईटा टू दी पावर फाइव। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये जो आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ये सिग्मा डोनर की तरह वर्क करेगा या पाई डोनर की तरह वर्क करेगा, शक्ल देख के हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में आपके, लिखा हुआ रहेगा सिग्मा सी फाइव एच फाइव, इस टाइप में लिखा हुआ। अगर इस टाइप में लिखा हुआ इसका मतलब ये सिग्मा डोनेशन वाला है, ठीक है। अगर पाई डोनेशन वाला होगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, पाई सी फाइव एच फाइव माइनस, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो सिग्मा डोनेट वाला है तो टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला है तो आपका ईटा टू द पावर फाइव, ये हम काम में लेंगे, ठीक है। एक और ग्रुप होता है, दैट इज एलाइल, एलाइल होता है आपका सी थ्री एच फाइव माइनस, ठीक है। अगर ये आपका सिग्मा बॉन्ड की तरह वर्क करता है, आपका सिग्मा डोनर की तरह अगर ये वर्क करेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डेस सी एच टू, ये जो लोन पेयर होगा इसको ये डोनेट करेगा, ठीक है। और इसकी तरह वर्क करेगा आपके सिग्मा डोनर की तरह, ठीक है, मतलब आपका टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा आपके, टू इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वहीं अगर ये पाई डोनर की तरह वर्क करे, जब ये पाई डोनर की तरह वर्क करेगा तो ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका कॉन्जुगेशन में इस टाइप से रहेगा, ठीक है। ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपके काम में आएंगे, टू और टू, फोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, फोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन। और कितने कार्बन के बीच में, वन टू थ्री, तो इसकी हेप्टिसिटी होगी थ्री, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा टू द पावर थ्री से, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आज हमने लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन देखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में बात की, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका जो लिगेंड होते हैं वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अगर फाइव या सिक्स मेंबर रिंग बन रही है तो वो चेंज नहीं करेंगे, बट अगर फोर मेंबर रिंग बनती है तो वो अपने डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन देखा हमने EDTA का, ठीक है, वो होता है आपके pH मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वापस आपका लिगेंड्स का, नॉन क्लासिकल और क्लासिकल दो टाइप में। क्लासिकल में केवल और केवल आपका सिग्मा बॉन्ड का डोनर होता है, मतलब केवल डोनेशन होता है, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं होता, केवल डोनेट होता है। जबकि नॉन क्लासिकल में आपका डोनेट भी होता है और एक्सेप्टेंस भी होती है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें भी हमने दो टाइप के देखे थे, ठीक है, एक तो था आपका सिग्मा डोनेशन और पाई एक्सेप्टर, ठीक है, वो भी आपका दो टाइप का था, टाइप वन और टाइप टू, ठीक है। टाइप वन में क्या था आपका, एक तो जो आपके एक्सेप्ट होते हैं वो होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटर में, ठीक है, और टाइप टू में जो एक्सेप्ट होते हैं वो होते हैं आपके किस में, वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। ये चीज़ थी डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड का डोनेशन होगा और पाई का ही क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है ना, जो अभी हमने देखा लास्ट, ठीक है, पाई का ही डोनेशन होगा और पाई का ही क्या होगा, एक्सेप्टर, ठीक है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसकी इनकी जो नेमिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो जो एग्जांपल मैंने बताया था जिस सॉल्ट वाला, वो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है, क्या था उसमें। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा आपका ये जो एग्जांपल्स हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लिगेंड्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है वो कम्प्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।